रणबीर कपूर के उस सॉन्ग की करते हैं जो इन दिनों छाया हुआ है। रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म का सॉन्ग है वो रिलीज हो गया है, हुआ मैं, जिसको फैंस काफी प्यार दे रहे हैं। और उसमें जो जिस तरह से सॉन्ग को दिखाया गया है वो पसंद कर रहे हैं। रोमांटिक केमिस्ट्री के लिए दोनों को फैंस का प्यार मिल रहा है। और ये जो सॉन्ग है हुआ मैं वो रिलीज हो गया है, और इस गाने में दोनों के बीच काफी प्यार, जुनून और उनकी जो शानदार बॉन्डिंग है वो फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही है। और दोनों की जो प्यारी केमिस्ट्री है वो देखकर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं। एनिमल के इस गाने में हुआ मैं, इसमें रणबीर और रश्मिका एक दूसरे को पैशनेट होकर किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस गाने की शुरुआत होती है तो एक ऐसे सीन से होती है जहाँ घर वाले के सामने दोनों किसी एक क्रिमिनल के तरह बैठे हुए होते हैं, और रश्मिका मंदाना जिनका गीता नाम के किरदार में वो दिख रही हैं, और उनसे घर वाले एक्सप्लेन करने की मांग करते हैं। हालांकि परिवार का एक जो सदस्य है रश्मिका को बेशरम भी कह देता है, और फिर दोनों वहीं परिवार के सामने, पूरी अपनी फैमिली के सामने किस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों दूर फ्लाइट में नजर आएंगे आपको, और यहाँ भी दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी आपको दिखेगी। और फिर गाना शुरू होता है और फिर दोनों कहीं दूर दिखाई देते हैं। और इस गाने के पहले दोनों को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया था, और इस पोस्टर में भी वही किसिंग वाली सीन वो दिखाई दी थी। मनोज मुंतशिर, इस गाने को मनोज मुंतशिर ने लिखा है और प्रीतम ने कंपोज किया है। इस गाने को सुनकर लोग एक अलग ही फ्लो में खो जा रहे हैं और इसे मैजिकल बता रहे हैं। और जब आप ये गाना देखेंगे तो आपको इसमें महादेव का एक मंदिर भी दिखेगा। ओवरऑल अगर गाने की बात करें तो गाना काफ़ी अच्छा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इस गाने में जिस तरह से रणवीर का क्यूट अवतार दिखाया गया है उसे भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और जो बॉन्डिंग दिखाई गई है रश्मिका मंदाना और रणवीर कपूर को लेकर वो फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो प्लीज़ इसको सुनिए, और कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल एंटरटेनमेंट के हॉट टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए खबरों का अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल, और साथ ही फेसबुक और इंस्टा पे भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। खबरों का ज़्यादा डोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।